हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीफ पार्क फेस्टिवल को आयोजित करने वाले छात्रों को तगड़ा झटका लगा है। हैदराबाद की एक अदालत ने इस पार्टी पर 21 दिसंबर तक रोक लगा दी है। छात्रों ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है। बीफ पार्क फेस्टिवल में छात्रों ने AIMIM नेता असुद्दीन ओवैसी और बीजेपी नेताओं को आमंत्रित किया था। यूनिवर्सिटी कैंपस में इस तरह के आयोजन की निंदा करते हुए स्थानीय नेताओं ने इस आयोजन का कड़ा विरोध किया है। दूसरी तरफ आयोजक छात्र बीफ पार्क फेस्टिवल को आयोजित करने पर अड़े हुए हैं और उन्होंने इस फेस्टिवल के समर्थन में सोमवार को करीब 5 किलोमीटर लंबी एक रैली भी निकाली। इस रैली के दौरान करीब 50 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। रैली के बाद पूरे विश्वविद्यालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इस फेस्टिवल पर रोक लगाने वाली याचिका दायर करने वाले वकील का कहना है कि इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि यूनिवर्सिटी कैंपस में इस तरह का आयोजन गैर कानूनी है और प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटरिंग एक्ट के साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट का भी उल्लंघन है। इस मामले में विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार और आयोजक छात्रों को पार्टी बनाया गया था। उनकी गैर मौजूदगी में ही कोर्ट ने सुनवाई कर स्टे का फैसला सुना दिया।